तो मेरा क्वेश्चन तुमसे है, तुम कितने घंटे सोती हो इन ए डे? 6-7 घंटे। 6-7 घंटे? तो अभी की लाइफ स्टाइल और अगर आप वर्कआउट करते हो तो आपको कम से कम मिनिमम आपके बोल सकते हैं कि 8 घंटे 9 घंटे मिनिमम होने चाहिए। मसल रिकवरी के लिए आप जितना रेस्ट करोगे, जितना आप सोओगे, तो आपके मसल्स रिकवरी अच्छी होगी। तो मेरी बेस्ट सलाह ये है कि अगर आप जिम करते हो या फिर आपको कोई इंजरी है या कुछ भी ऐसा है, तो आप कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा आप रेस्ट करने की। तो अभी हम बात करेंगे मेजर सबसे बड़ी दो प्रॉब्लम, जो बड़ी मेजर जो प्रॉब्लम है वो क्या है अभी के टाइम पे, वो एक्सप्लेन करेंगे आपको मैडम। कौन सी दो बड़ी प्रॉब्लम है अभी के टाइम पे जो सारे लोग, आई थिंक मेंटल स्ट्रेस, वी डोंट रियलाइज एक सेकंड, अ लॉट ऑफ योर मेंटल स्ट्रेस कम्स फ्रॉम अननेसेसरी सोशल मीडिया ऑब्वियसली, यू नो आई अंडरस्टैंड लाइफ इज लिटिल अनसर्टेन, तो जॉब, फ्रेंड्स, फैमिली, पीयर प्रेशर बहुत रहता है, तो जहाँ मतलब जो जिनका सलूशन नहीं उनको ध्यान मत दो, लाइक वो स्ट्रेस जो लेने का नहीं है वो लो मत। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को जहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ और जहाँ पर हमको अपने अटेंशन दिखानी चाहिए, मतलब जैसे कि अपने फ्रेंड्स हो गए, अपनी फैमिली हो गई, उन लोगों में हम अटेंशन ना दिखा के हम घुसे रहते हैं फ़ोन में, ठीक है। तो सबसे बड़ी जो अभी के टाइम पे जो मेजर जो चीज़ है वो है फ़ोन। फ़ोन इतनी बड़ी प्रॉब्लम है लोगों के लिए कि लोग 3-3, 4-4 घंटे फ़ोन में लगे रहते हैं। तो ये तो चीज़ सबसे बड़ी हो गई। सेकंड चीज़ अगर तो उससे रिलेटेड चीज़ हो गई आपका, आपकी नींद, आपको फ़ोन की वजह से आप प्रॉपर आपकी नींद भी नहीं हो पाती, आप सो भी नहीं पाते हो। तो आपकी जो 10-8 घंटे 9 घंटे की जो अच्छी नींद चाहिए वो आपके दिमाग में फ़ोन की वजह से इतनी सारी चीज़ें रहती है कि आप अच्छे से सो भी नहीं पाते हो। तो हमारा सजेशन ये है कि आप फ़ोन को कम से कम यूज़ करो, मतलब जितना आपके अगर यूज़ के लिए है या फिर आपको इम्पोर्टेंट लगता है कि हाँ ठीक है आप कुछ सीख रहे हो कुछ चीज़ें, हाँ तो वो चीज़ों के लिए आप सोशल मीडिया जो चीज़ें होती है कि इंस्टाग्राम वगैरह इन पे देखे जा रहे हो, चले जा रहे हो, लगे जा रहे हो, तो वो चीज़ें ना करो। क्योंकि आप मोबाइल में आप 1-2-3 घंटे कितने घंटे आप ऐसे ऐसे बैठ के आप कितने घंटे आप निकाल लो आपको पता नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको वैसे ही अगर आपको ही बोले ना ऐसे मोटिवेट करे या बोले कि भाई तुम जिम क्यों नहीं जाते, भाई तुम कुछ वर्कआउट क्यों नहीं करते, भाई तुम कुछ फिजिकल एक्टिविटी क्यों नहीं करते, तो पता है क्या क्या आंसर रहता है लोगों का? अरे भाई नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं रहता, मेरे पास वही नहीं रहता। अभी मेरे ऑफिस की अगर बात करें तो मेरे ऑफिस में सेम ऑफिस सेम काम सब चीज़ें सेम है, ठीक है। तो लोगों के एक्सक्यूज क्या रहेंगे कि अरे भाई टाइम ही नहीं मिलता, बहुत काम रहता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप पूरे दिन भर में 1 घंटा अपने लिए नहीं निकाल सकते ना, मतलब आप सिर्फ 1 घंटा आपको अपने लिए निकालना है वर्कआउट के लिए, आप रनिंग करो, आप कुछ भी योगा करो, कुछ भी करो, लेकिन आपको करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बोलना ये है कि आप कई घंटे मोबाइल में वेस्ट करने से अच्छा है ना आप कुछ एक्टिविटी करें, कुछ वर्कआउट करें, ताकि कुछ तो अच्छा हो। इतने से वीडियो लगा के छोड़ दे रही हूं और कार्डियो करती हूं, मतलब आप अपनी नींद पूरी करें तो उससे आपके हेल्थ के जो जो प्रॉब्लम्स है वो भी ठीक होंगे। तो ये हमारे आज के लिए जो दो बड़ी आज का ज्ञान था, जो कि दो बड़ी जो प्रॉब्लम है, जो मेजर प्रॉब्लम है वो ये थी। ओके, बाय बाय।